कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। 5 फिनिशेस उनके पास है। सर्किल का शिफ्ट यहाँ पे लाइक ऑल मोर ऑर लेस यहाँ पे गार्ड का क्वारी एरिया की तरफ बढ़ता हूँ देखने में जगह। टीम सोल की बात करी जाए, एक फिनिश पॉइंट उनके पास रहेगा जरूर। युवा यहाँ पे फिलहाल के लिए अपना थोड़ा सा पोजीशन चेंज करने वाले, बट ऑग्लिस 5 के प्लेयर्स के ऊपर जो नॉकआउट हुआ है उसका फायदा उठाता है। युवा ने स्लैम जरूर दिया है एंड ऑलरेडी जो रिवाइवल है वो हो चुका है। यहाँ पे तैयार रहने वाले, बट युवा कि वहाँ पे क्यों तैयार थे एक डिफरेंट एंगल होल्ड करते हुए ओपन से यहाँ पे रश किया जरूर किया था, बट मुझे लगता है वहाँ पे पहले आपको नीड का इस्तेमाल करना चाहिए था। एक प्लेयर को वाइपर यहाँ पे टेक डाउन करके रॉक्स के पास जो चांस है यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से उभर के जरूर आया, क्योंकि एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में मौजूद रहने वाले वाइपर को उसकी तरफ से तैयार रहना पड़ेगा, बट रॉक्स को सीधा यहाँ पे टेक डाउन करेंगे बॉम्बर एंड फिनिश ऑफ किया जाएगा। सोल की तरफ से वाइपर अकेले प्लेयर बचने वाले बहुत ज्यादा लो हो चुके, क्यों यहाँ का फिनिश पॉइंट अपने नाम जरूर सिक्योर करने वाले, बट साथ ही साथ जो फर्स्ट एड है उनको पॉप आउट करना पड़ेगा। बॉम्बर यहाँ पे चार्ज इन करने वाले, क्या वाइपर तैयार है क्योंकि युवा अभी भी सर्वाइव करे टाइम उनके पास है बेशक रहेगा, बस साथ ही साथ ये 1v1 अगर जल्द से जल्द खत्म नहीं करते तो वाइपर के लिए यहाँ पे बचाना युवा को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिलहाल के लिए बॉम्बर भी अपने आप को हील करते देखने मिल जाएगी, नीड का इस्तेमाल जरूर कर दिया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक कि नीड यहाँ पे कुछ कनेक्शन निकाल के ले जा पाएगा। वेल नेड्स किए जा रहे हैं वो सप्रेस करने के लिए, वो प्रेशर बनाने के लिए नेड किए जा रहे हैं एंड कुछ नेड्स करके अगर वाइपर इस टाइम जो है ये टाइम का अगर यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं युवा ओपी को रिवाइव दे सकते हैं एंड आफ्टर दैट रिवाइवल यहाँ पे दे विल बी बैक टू 2 मंथ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। बॉम्बर का जंप आया है, ही इज क्लोजिंग अप विद दैट एकेम वाइपर को स्पॉट लेकर जैसे रन बने वाइपर आउट ऑफ द कवर आएंगे। बॉम्बर ने काफी शानदार जगह दिया, पिक ऑफ किया टीम सोल या